फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अध्यात्म ज्योतिष की चर्चा में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे इस कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। बिना समय कमाए हम लोग फटाफट चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें यदि आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शनि के द्वादश भावों के फल को, यानी शनि ग्रह जो आप पर आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड या आपको अच्छे फल प्रदान करते हैं। शनि वह ग्रह है जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तो सब कुछ कपड़े फाड़ कर ले लेता है। यही विशेष स्थिति है। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपको आपके दंडों के आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड व्यवस्था को संभाले हुए। यदि बहुत सारे लोग जिनके जीवन में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि बहुत कुछ अर्जित कर लिया था लेकिन अनीति और अन्याय से किया था, एक दिन शनिदेव वापस ले लेते हैं और ब्याज सहित कुछ नहीं बचता। हमें लगता तो है कि नहीं, बहुत कुछ ने प्राप्त कर लिया, लेकिन समय जाने वाला कब है? बहुत सारे हजारों नहीं, सैकड़ों लाखों ऐसे उदाहरण है जो आप भी समझते हैं और आप भी जानते हैं उनका हर्ष होता क्या है। खैर, दर्शकों, हम लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शनिदेव की 12 भावों के अंदर फल। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव बैठे होंगे। स्वाभाविक है कि 12 ही खाने इसमें बनाए गए हैं, 12 ही कुंडली के भाव होते हैं, 12 ही हाउस होते हैं। ऐसे में 12th हाउसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपका शनि भी विराजित होगा। किस स्थिति में विराजित होगा वो मुझे मालूम नहीं है। आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन का विषय हो सकता है और उसी से उसके बारे में ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली को खुद खोलकर देखें, यही मेरा प्रयास है। विचार करें कहां पर शनिदेव बैठे होंगे तो क्या प्रभाव रहेगा, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। और हाँ, उपाय भी आपको कुछ सुझाने का प्रयास करूंगा कि अगर शनि इस स्थिति में यहां पर बैठे तो आपको ये उपाय भी करने चाहिए जिससे आप शनि के शुभ परिणामों को आप उसका परिणाम ले सके। देखिए, शनि एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूज्य ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है ऐसे कि आपके कार्य का क्या आपको फल देना है, जजमेंट जब कोई व्यक्ति करता है तो हमें क्रूर ही लगता है। ऐसा होता नहीं है लेकिन लगता है, इसीलिए शनि को भी यहां पर क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई। भाई, जज किसी को तो क्रूर लगेगा ही ना, क्योंकि वो जजमेंट आपके कर्मों के आधार पर देगा, एविडेंस के आधार पर देने वाले हैं। इसीलिए हमें कई चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, एपिसोड को समझना चाहिए। अपनी राशि या अपने भाव या अपने पॉइंट पर हम लोग लौटे वहां पर पहुंचे उससे पहले शुरुआत के 2-4 मिनट आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक चरण आपने समझ लिया तो आप वहां पर समझ पाएंगे, और यहां आपने मिस कर दिया तो वहां आपको समझ नहीं आने वाली बात। फिर आप नीचे कॉमेंट में लिखेंगे समझ नहीं आया, हाँ ठीक तो था लेकिन बहुत सारी बातें। तो इसलिए प्रारंभिक के 2-4 मिनट हमारे एपिसोड के खासकर आप सुने, क्योंकि हम शुरुआत में कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ टॉपिक को लेकर ही उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, देखिए, जब यहां पर 12 भाव के अंदर शनि का संचरण रहेगा, ठीक है ना, अब यहां पर लेकिन मुझे क्या पता आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे, या आपका लग्न क्या, आपकी राशि क्या, मुझे तो जानकारी नहीं है। वो तो कुंडली देखने के पश्चात पता लगेगा आपके लिए शनि कैसे है। लेकिन आप घर बैठे जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूं उसके आधार पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं तो दोबारा देखने पर समझ में आएगी बात। इसीलिए जब कुंडली में शनि, अब हम किसकी कुंडली के आधार पर प्रोडिक्शन करेंगे, हम लोग बात करेंगे काल पुरुष की कुंडली पर, यानी मेष लग्न की हम एक कुंडली तैयार कर लेते हैं। खास बात यह कि जब भी कोई हम कुंडली तैयार करते हैं, या आपकी कोई भी कुंडली है, आपके बच्चों की, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की भी है, अगर कुंडली के लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस में 1 लिखा हुआ है तो द्वितीय भाव के अंदर 2 ही लिखा होगा, थर्ड हाउस में 3 ही लिखा होगा। ये नियम है। फर्स्ट हाउस में अगर यहां पर जो है 10th हाउस के अंदर अगर हम 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब मेष लग्न की कुंडली है। अगर हम 10 लिख देते हैं लग्न के अंदर तो दशम भाव के अंदर 1 आ जाएगी, स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब कि हम जब भी कोई कुंडली बनाते हैं तो सीरियल वाइज हम यहां पर अंकित करते हैं अंकों। अब हम जब मेष राशि की आधार हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे और काल पुरुष की गणना को लेकर चलेंगे तो मेष के अंदर शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। भाई, तुला के अंदर शनि उच्च के होते हैं,
तो उसकी सातवीं राशि मेष पड़ती है, जहां नीच हो जाएगी। तो यहां पर खास बात समझने वाली यही है कि अगर लग्न के अंदर शनि नीच के हो जाएंगे, जबकि शनि को स्थान वृद्धि करो की संज्ञा या सूत्रात्मक उनका जो सूत्र है वो कहा गया है स्थान वृद्धि करो शनि, ठीक है, और स्थान हानि करो जीव, ये दो सूत्र है पाराशर जी के। तो दर्शकों यहां पर जब शनि उस स्थान में वृद्धि करेंगे, दृष्टिवत उनका उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर अच्छा माना जाएगा। लेकिन अच्छा कब होगा? जब वो अच्छे होंगे वहां। अब वो नीच के हैं, अब समझने के यही यहां पर समझने का विषय है कि अब वो नीच के बैठे हैं, स्थान वृद्धि करेंगे, देख कितना करेंगे, नीच के हैं, कुछ चीजों में जो उनका इफेक्ट नजर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, खासकर हेल्थ की हम लोग बात करें तो, ठीक है। अब वो जन्म कुंडली बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट उसके देखें, उस पर कहां क्या स्थिति है और किस चीज पर इसका ज्यादा प्रभाव लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर नीच के शनि लग्न के अंदर बैठे हैं तो बहुत शुभ नहीं रहेगा। तो हमें करना क्या चाहिए उसके लिए उपाय आपको समझना चाहिए। हमें हो सके तो अपने घर में ही स्फटिक या पारद के शिवलिंग रख लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप नर्मदेश्वर रख सकते हैं, ठीक है ना, और नियमित रूप से कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। तो शनि का जो अशुभ प्रभाव है वो मेष लग्न के लोगों को नहीं मिलेगा। अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं, यानी दूसरे भाव के अंदर यदि शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में, दूसरे भाव के अंदर यदि शनि बैठे हैं, काल पुरुष की गणना के आधार पर हम देखेंगे तो वृषभ राशि होगी, यानी उनके मित्र की राशि होगी। और मैंने आपको पहले दिन भी एक एपिसोड बहुत विस्तार से समझाया था, हमें दिक्कत कब होती है, हमें दिक्कत कब होती है कि हम जहां बैठ रहे हो वहां हमारे शत्रु का घर हो। अगर हमारे मित्र का घर है तो एक सीट पर दो लोग बैठने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, असहज नहीं महसूस करते हैं। और अगर दो सीट भी हो और अगर वहां शत्रु बैठा हो तो भी आप वहां पर कंफर्ट महसूस नहीं कर सकते, अगर वहां शत्रु ऑलरेडी उसका घर है, एक सीट उसकी रिजर्व है। तो इसलिए अपने मित्र के यहां शनि सहज रूप से आपको अच्छा फल देंगे। और धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहां पर इन सब चीजों के लिए बहुत बेहतरीन यहां पर शनिदेव आपको देने वाले हैं, उत्तमा उत्तम फल की प्राप्ति आपको यहां पर शनिदेव कराने वाले हैं। आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले भाव में, यानी तृतीय भाव में। अब आपको उपाय भी थोड़ा सुझा देता हूं, उपाय में आपको क्या करना चाहिए। शनि आपके अच्छे हैं लेकिन और अच्छे परिणाम दें, कम से कम शनिवार के दिन आपको पीपल का सिंचन करना चाहिए, कच्चे दूध से हो चाहे जल से हो, ठीक है। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अनवरत करते रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करें, रुद्राक्ष से ही जप करें, लेकिन हाँ एक ही माला से नहीं, अलग अलग से। अब हम बात कर लेते हैं अगर तृतीय भाव के अंदर होगा तो मिथुन राशि होगी और मित्र के घर में होंगे, तो मित्र के घर में जो स्थिति सहजता मैंने यहां बताई वहां पर भी नजर आएगी। तो इसलिए जो है तृतीय भाव के अंदर अपने मित्र के घर में यदि बैठे हो, अच्छा अगर शत्रु के घर में बैठे होंगे तो यहाँ पराक्रम जो है आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है, भाई बहनों के साथ अनबन की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ मित्र के घर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर तृतीय भाव के अंदर आपको अच्छा फल देगा, आपकी प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ेगी, राजनीति से जुड़े हुए तो यहाँ शनि आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देंगे, बहुत ही उत्तम फल देंगे आप। तो इसलिए तृतीय भाव के अंदर ये बलिष्ठ हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये अच्छी स्थिति में नहीं है, शत्रु के घर में बैठ गए या चंद्रमा के घर में बैठ गए, तो ऐसे में तो विष दोष का निर्माण हो जाएगा, क्यों कहीं ना कहीं चंद्रमा के संयोग में आकर वो विष की युति बना देते हैं, विष घोल देते हैं उस भाव के अंदर। विष योग का क्या परिणाम होता है 12 घरों के अंदर, उसको लेकर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आप जो है चैनल के अबाउट में जाकर भी आप पीछे जाकर देख सकते हैं, वहां से भी लिंक आप ले आप वहां पर जा सकते हैं चैनल पर और वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर उपाय के साथ मैंने विस्तार से सिर्फ विष दोष पर ही चर्चा की है। अब चौथे भाव के अंदर यदि ये योग बनता है तो ये भी आपका ये मान के चले कि यहाँ पे तो कर्क हो जाएगा और अब वही स्थिति बनेगी विष दोष वाली, क्योंकि चौथे के अंदर यहां पर एक तो शत्रु का घर हो गया, चंद्रमा शत्रु है और चंद्रमा के संयोग में आने से विष का यहाँ पर निर्माण होगा, यानी आपके सुख संसाधनों में विष घोल कर रख देगा शनि अगर इस स्थिति में बैठे हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा मानसिक उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है,
कोई निर्णय नहीं ले पाते, बस सोचते रहते हैं, क्रियान्वित हो नहीं पाता। ठीक है, कई बार तो विचार ऐसे ऐसे करेंगे कि मान लो जो संभव ही नहीं है। सोचना बुरी बात नहीं है, बहुत दूर तक सोचना चाहिए, लेकिन केवल सोचना चाहिए और करना कुछ नहीं चाहिए तो उसको पागलपन कहा जाएगा, उतावलापन उसको कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों की स्थिति यही हो जाती है यहां पर, क्योंकि शनि उसको, शनि बहुत मंद गति से चलते हैं, चंद्रमा बहुत फास्ट गति से चलते हैं, इसलिए वो स्थिति यहां पर प्रतिकूल हो जाती है। अगर जीवन में दो ऐसे लोगों का संयोग हो गया, एक तो दौड़ना पसंद करता है, एक चलना ही पसंद नहीं करता, तो चलेगी बात, वहां पर भी सो जाएगा, दोनों को एक दूसरे की स्थिति हजम नहीं होने वाली, ऐसे में वहां पर विवाद फसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहां पर जो है, अगर चतुर्थ भाव के अंदर यहां पर शनि बैठ जाते हैं, इसी स्थिति में बैठते हैं, तो आप विष योग का निर्माण हो जाएगा और जो आपके जीवन में विष घोल सकता है। पंचम भाव में शनि अगर बैठते हैं तो वहां पर भी शत्रु पक्ष का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, जहां सूर्य तो एक बार ये कह देंगे चलो बेटा है कोई बात नहीं, लेकिन बेटा फिर भी ये नहीं कहता बाप है, वो शत्रु ही मानता उसको। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव को प्रभावित कर देगा, चाहे विद्या का पक्ष हो, संतान का पक्ष हो, इन चीजों को प्रभावित यहां पर शनि करेगा। उपाय क्या करना चाहिए, नियमित रूप से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, कोई भी आसपास प्रतिष्ठित मंदिर है तो वहां करना चाहिए, नहीं तो घर में ही आप पारद, शिवलिंग, स्फटिक आदि के शिवलिंग रख सकते हैं, और नियमित रूप से आप गंगा जल दूध से उनको स्नान कराएं, काले तिल आप जरूर उनको अर्पण करें। साथ ही साथ आपको एक और विशेष चीज करना चाहिए, एक रुद्राक्ष को कम से कम 45 दिनों तक भगवान शिव पर ही उनको अर्पण करके उनका अभिषेक, चंदन वंदन करना चाहिए, और 45 दिन के बाद आपको वह गले में धारण कर लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर सष्टम भाव के अंदर हो तो मित्र का घर हो जाएगा, क्योंकि कन्या राशि वहां पर हो जाएगी। अगर शत्रु पक्ष का हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर मित्र का कन्या राशि वहां पर होती है तो वहां पर ठीक रहेगा। मिथुन राशि वहां पर होती है तो भी चलेगा, ठीक है। तो या मकर राशि हो जाए, अपने घर हो या उच्च का हो तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन मित्र का भी हो तो भी ठीक है। तो सष्टम भाव के अंदर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये जो आपके शत्रु हैं उनका दमन करेगा, ठीक है ना, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, फाइनेंस स्थिति को यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्तम भाव की दृष्टि जहाँ द्वादश पर पड़ेगी तो खर्च का स्थिति को बढ़ाएगा। अब खर्च तो स्वाभाविक है, तभी होगा जब आमदनी होगी, तो इसका मतलब ये आमदनी के स्रोतों को भी यहाँ पर उत्पन्न करता रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर वही सप्तम भाव के अंदर बन गया, शनि वहां पर आ जाते हैं, अच्छा शनि वहां पर आएंगे तो एक खास बात ये भी है कि जब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर राशि कौन सी होगी, यहाँ पर होगी सप्तम राशि यानी तुला राशि होगी, और तुला राशि में यहां पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, मेष राशि के बिल्कुल अपोजिट जो है, मेष राशि में लग्न में थे तो नीच के हो गए, और सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। अब उच्च के यहाँ पर ये बैठेंगे तो शनि तुला में यहां पर अगर आते हैं तो ये उत्तमा उत्तम योग का निर्माण यहां पर करेंगे, सस्योग की स्थिति को यहां पर उत्पन्न करेंगे, जो राजयोग माना जाता है पंच महापुरुष योगों के अंदर, तो यह अत्यंत यहां पर अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए, अगर एक मुखी नहीं है तो चार मुखी और तीन मुखी और सात मुखी का भी कवच बना सकते हैं, नहीं है तो पांच मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, तो आपको एक रुद्राक्ष कंठ में जरूर धारण करना चाहिए। अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो वृश्चिक राशि मानी जाएगी, अगर हम काल पुरुष की गणना का आधार देखें, ये शत्रु पक्ष का हो जाएगा, और यहां पर अष्टम भाव के अंदर आपको यहां पर शनि एक तो द्वितीय भाव से कनेक्शन बनाएंगे, दो तीन चार पांच छह सात, तो जहां फाइनेंशियली आपको परेशान कर सकते हैं वहां आपको रोग भी दे सकते हैं, आयु में तो वृद्धि करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन सत कोई ऐसी ऐसी रोग भी यहां पर आने की संभावनाएं बन जाती हैं। देखो ये सब जन्म कुंडली का आधार भी इसमें हमें लेना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर जो है गोचर को भी देखना चाहिए, महादशाओं को भी देखना चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर इसी आधार पर अगर यहाँ वृश्चिक होता है और अष्टम भाव के होते हैं तो यहाँ पर शत्रु पक्ष के चंद्रमा शनि आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। और शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको आप बस नमस्ते करते रहो तो भी आपका काम बनता रहेगा, हाँ ये बिल्कुल एक सरल उपाय है इसके लिए।
आपको नियमित रूप से जो है शनि देव की पूजा करनी चाहिए। पीपल पर आप शाम को समय दीपक जलाएं, सुबह को सिंचन करें तो शनि प्रसन्न। नवम भाव के अंदर अगर यह स्थिति उत्पन्न होती है, नवम भाव में अगर वह बैठते हैं तो आप ये मान के चलें कि यहाँ पर बृहस्पति का घर होगा। नवम भाव के अंदर यहाँ पर भाग्य भाव में यह अच्छा लगभग रहेंगे, तो आपको भी नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और गले में आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की माला या 1 बड़ा रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। दसम भाव के अंदर हो जाएंगे तो स्वग्रही माने जाएंगे, वहां पर शनि का ही घर माना जाता है। और दसम भाव के अंदर शनि यहां पर आते हैं, अगर ऐसे लोग पहले ऐसे लोगों की दिलचस्पी जो होती है ना वो टेक्नोलॉजी में ज्यादा होती है, राजनीति में ज्यादा होती है, प्रशासनिक अधिकारी अक्सर ऐसे ही लोग बनते हैं, बड़े उच्च पदों तक लेके जाता है, पेट्रोलियम का क्षेत्र हो, इन सब चीजों में बड़ा अपार सफलताओं का संयोग यहां पर बनाता है, कोयला का कोई कार्य हो, मैकेनिज्म वर्क जो भी है सब इसके अंडर में, और शनि अपार संभावनाएं उनके लिए लेकर के आता है, बहुत कुछ शनि दे देता है, बहुत अच्छा है। अगर एकादश के अंदर आपको उपाय क्या करना चाहिए, आपको 14 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। अब हम कुंभ की बात कर लेते हैं। अब कुंभ अगर एकादश की स्थिति कुंभ में बनेगा, कुंभ राशि रहेगी, ठीक है, कुंभ लग्न सॉरी मेष लग्न और कुंभ राशि यहां पर रहेगी। अब मेष कुंभ लग्न में अगर यह शनि यहां पर बैठते हैं, एकादश में बैठते हैं, तो एक तो स्वग्रही हो जाएंगे, दूसरा भाव एकादश हो जाएगा, पंचम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जहां विद्या आपको प्राप्त होगी, अच्छी एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे, वहीं बड़े उच्च अधिकारी आईएएस पीसीएस बनने के संयोग यहां पर रहेंगे, तकनीकी फील्ड में बहुत अच्छी स्थिति आप उत्पन्न कर सकते हैं अपने लिए, नई सृजन की व्यवस्था आपके पास हो सकती है, कोल पेट्रोलियम को लेकर के बड़े उच्च पदों तक आप जा सकते हैं, ऐसे लोग सरकारी सेक्टर सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में भी कोई काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, मान प्रतिष्ठा राजनीति सब चीजों में शनि यहाँ पर बेहद लाभ देगा। अब हम बात कर लेते द्वादश के अंदर, अगर 12वें घर में जाकर के स्तुति पैदा होती है, वहां पर अगर शनिदेव बैठते हैं और वहां पर हम कालपुरुष गणना के आधार पर देखें तो द्वादश शनि यहां पर खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, अनेक संसाधनों को जुटाने का ही व्यक्ति प्रयास करेगा, लेकिन खर्च की बाहुलता कहीं ना कहीं संसाधनों में हो, अतिरिक्त व्यय भी हो सकता है, बीमारी में भी ऐसे में भी हो सकता है, अगर शनि पर कोई पापक ग्रह की दृष्टि है या फिर शनि यहाँ पर नीच के बैठ जाए, अगर धनु के तो फिर तो उतनी दिक्कत नहीं यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा साथ में बैठ जाए या चंद्रमा का कनेक्शन होने लगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर बहुत नेगेटिव फल दे सकते हैं, लेकिन अगर सेम स्थिति अगर यही है कि केवल धनु में बैठे शुभ स्थिति में बैठे में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि खर्चों का बाहुल्य जहां रहेगा वहां इनकम के भी मध्यम स्रोतों को उत्पन्न करता रहेगा, और ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी कभी विरक्ति की ओर भी चला जाता है।